जी, मैं आंगनवाड़ी परिवार कर्मचारी संगठन की एक सदस्य और कार्यकर्ता के पद पे थी। फिलहाल निष्कासित कर दिया गया है। हम 18 बहनों को निष्कासित कर दिया बिना किसी वजह, बिना किसी कारण के। हक की लड़ाई में दुनिया ही जाती है और हम भी गए, और रविवार के अलावा ऐसा कहीं कुछ किया नहीं। और सभी बहनों को अभी भी लगातार हटाने का प्रोसेस चालू है। तो हम ये चाहते हैं कि सारी बहनों को बहाल करके उनको ज्वाइनिंग दी जाए और हमें अपने अपने कार्यों पे वापस लिया जाए। इसी के लिए ये किया आज का जो धरना था, और हम अनशन पे भी हैं। और जब तक हमें ये बहाल करके ज्वाइनिंग का जो आदेश नहीं दे देते, ये धरना रहेगा। और आज ये दे देते हैं तो हमारा ये आज ही क्लियर हो जाता है। क्या रीजन था, क्या कारण था बहाल करने का? शुरू शुरू की 7 बहनों को जो निष्कासित किया, तो वो प्रदेश स्तर पे अपना मिशन लेके गई थी जागो और जगाओ का। और अभी कोई हमने ऐसे धरने वरने नहीं दिए थे, हम संवाद प्रोग्राम में ही गए थे और बाकायदा सिस्टम से गए थे। सब कुछ हम देके गए थे, अपनी एप्लीकेशन, छुट्टी वुट्टी, CDPO वगैरह को सबको पता था क्यों गए हुए हैं हम हमारे। लेकिन ऐसा कोटा में कुछ हुआ कि एक बहन सईदा खान फोन करती है जयपुर के DD साहब को, जो एडिशनल डायरेक्टर साहब जो भी हैं उनको फोन करती हैं, और उनसे DD साहब को निर्देश आते हैं। DD साहब दूसरे दिन ही हमारी जांच में निकलते हैं, और जांच में निकलने के बाद एक दिन में सेम दिन नोटिस, और अगले दिन हमारे को निष्कासित। तो बिना किसी भेद तो करना चाहिए ना कि आखिर क्या कारण है, तुम क्यों गई हो, वापस आओ। देना है तो हमें अर्थ दंड दीजिए, हमें काम को लेके दंड दीजिए। आपको निष्कासित करने की कहाँ आ गई, हमारे पेट पे लात मारने की थोड़ा तो विचार कीजिए। इस विभाग में, इस कार्यक्रम में जो भी बहनें लगी हुई हैं ICDS में, ज्यादातर वो बहनें हैं जिनको अति आवश्यक है अर्थ की। और अर्थ के अंदर आप देते ही क्या है, हमें जो मानदेय मिल रहा है उस मानदेय का भी सोचा जाए तो ऐसा कोई मानदेय भी नहीं है। और फिर हम हमारे हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि 2018 में वादा किया गया था कि हम आपको परमानेंट कर देंगे। हम तो वो खाली याद कराने के लिए कर रहे, करना नहीं करना उनका काम है, याद कराना कोई बुरी बात नहीं है। और ऐसा हमारे इसमें जो मौलिक अधिकार हैं उसमें भी कहा गया है कि आप अपनी मांगों को रख सकते हो, मैं बीच चौराहे पे भी मांग रखूं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बात हमारी इतनी है, मांग हमारा रखना हमारा हक है, करना या नहीं करना वो गवर्नमेंट का काम है, तो इसमें कोई गलत कुछ नहीं है। उसके बाद तुरंत CM साहब जी आते हैं, और CM साहब के आने के बाद में भी यदि हमने हमारा दर्द बयां किया है तो लगता है कि आपको गलती लगती है, लेकिन हमारा दर्द बयां होना था, क्योंकि हम उस दर्द से गुजर रहे थे, क्योंकि हमारे हाथ पांव काट के रख दिए गए, हमें निष्कासित कर दिया गया। तो जाएं कहां, मेरा घर मेरे उसी 8,000 पे चल रहा है, तो मैं कहां जाके गुहार करूंगी तो उसी बंदे के सामने ना जो हमारा नायक है। तो यदि वो माई बाप है, वो सब कर सकते हैं, तो उन्हीं के आगे गुहार करी जाएगी। और वो हमने की, उसके चलते फिर एक साथ 8 बहनों को हटाएगा, फिर 4 बहनों को हटाएगा, फिर अभी 4 तारीख को फिर 4 बहनों को हटा दिए गए। ये DD साहब आखिर चाहते क्या है, कौन सा बदला ले रहे हैं? हम ये DD साहब से भी, हम ये चाहते हैं कि इनका यहाँ से ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि यदि आज ही हमको ज्वाइनिंग दे देंगे तो कल ये किसी और को निकालेंगे। तो ये सब हमारी बहनों की, सभी की इच्छा है। आप भले दूसरे से भी बाइट ले सकते हैं और पूछ सकते हैं कि आखिर इन बहनों का क्या है। CM साहब आए, जब कुछ बहनों ने यहाँ पे जो है वो आपके आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कुछ प्रदर्शन भी किया, तो उनका बार सामने आ रहे, क्या किया था प्रदर्शन में? हमने देखिए पेपर खाली दिखाए थे सभा में, यदि हमें कुछ गलत करना होता तो हम वहाँ भी हुड़दंग मचा सकते थे। जी कुर्सियाँ तोड़ी नहीं साहब, आप देखिए वीडियो को, कुर्सियां इधर उधर करी गई हैं, क्योंकि 200 250 400 कुर्सियां होंगी, और एकाएक बहने उठती हैं तो वो कुर्सियां एक दूसरे के ऊपर गिराई गई है। एक भी प्रशासन की कुर्सी टूटी हुई है तो बता दीजिए, उन्हीं की वजह से तो आप लोगों को यहां से नहीं हटाया जा रहा। वो देखिए ये तो अधिकारी ही कर सकते हैं, उसकी वजह से कर रहे हैं। तो आप, मैं कह रही हूँ ना, अर्थ दंड दीजिए, आप हमारे पे ऑफिशियल कार्रवाई कीजिए। उसमें हटाने की कहाँ जरूरत आई साहब, पेट पे लात मारने की कहाँ जरूरत आई? अब यही है कि उन 18 बहनों को जिनको निष्कासित किया गया है उनको बहाल करके ज्वाइनिंग दी जाए, ताकि वो बिचारी अपना घर बार चला सके। उनमें मैं भी गिनती में आती हूँ, और मेरे लिए भी यही किया जाए, और साथ में आगे के लिए प्रोसेस को इसको बंद कीजिए, हर एक को अपना काम करने दीजिए। और हमें निष्ठापूर्वक अपना काम में हम लगे हुए थे, और हमें लगे रहने दीजिए साहब, हमें कोई ऐसा वैसा कोई भी प्रदर्शन नहीं करना है, ना हम चाहते हैं।